हिमाचल प्रदेश में पहली बार जोर आजमाइश कर रही आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और उसमें जोश भरने की कवायद में जुटी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बदलाव मार्च निकाल रही है। इस बदलाव मार्च के जरिए आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर तो हमला बोल रही है, इसके साथ ही कांग्रेस को भी घेरने से नहीं चूक रही। मंडी के सदर विधानसभा में आपका प्रभात फेरी, जनसभा, रोड शो, बदलाव मार्च का कार्यक्रम चला है। जिला महासचिव अभिषेक ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में ज्यादातर शिक्षा का मुद्दा उठा रही है और शिक्षा के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव अभियान सभी 68 विधानसभा क्षेत्र और 4 लोकसभा क्षेत्रों में चलेगा, जिसके तहत बदलाव मार्च, जनसंवाद और कीर्तन जागरण होगा। जिला महासचिव मंडी, फिलहाल जैसे कि हमारा आम आदमी पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में रथ यात्रा का जो आयोजन करवाया जा रहा है, पिछले 5 दिनों से जो एक रथ यात्रा पूरे हिमाचल भर से 4 जगहों से निकली है और ये जो मंडी में आज रथ यात्रा यहाँ पे पहुँची है, ये नगवाई से शुरू होकर जो है आज शुरू हुई है यहाँ पे जिला मंडी में और यहाँ पे आज कोटली के पास समाप्त होगी सदर विधानसभा की। इसके बाद जो है जोगिंद्रनगर विधानसभा में ये प्रस्थान करेगी। तो इस तरह से जो पूरा हिमाचल भर का जो एक रथ यात्रा का जो आयोजन करवाया जा रहा है, ये पूरे बदलाव रैली जिसे हम कहेंगे, जो केजरीवाल जी ने एक छवि हिमाचल प्रदेश में छोड़ी है गहरी छाप, उस चीज़ के लिए हमें जो बदलाव रैली या इसे आप रथ यात्रा कह लीजिए। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारे रथ यात्रा में रथ में हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी, साथ में विभा गुलेरिया जी जो कि महिला विंग से उपाध्यक्ष हैं, साथ में भगवत सिंह जी जो कि मेन विंग से उपाध्यक्ष हैं, ये सभी लोग रथ में हैं। और बाकी हमारे साथ जो काफिला, बड़ा जो काफिला यहाँ पे चला आ रहा है, ये पूरा सदर विधानसभा को कवर करेगा और कोटली विधानसभा से, कोटली सदर विधानसभा के कोटली क्षेत्र से होकर ये जोगिंद्रनगर में प्रस्थान करेगा।